खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के कुछ होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मेल के जरिए दी गई है। सूचना पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम ने तलाशी ली। हालांकि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अब पुलिस ईमेल भेजने वाले को आइडेंटिफाई करने की कोशिश में जुटी है। जयपुर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में हुआ हंगामा। जयपुर शहर के लाइसेंसी बड़ी संख्या में एकत्रित हो ऑफिस पहुंचे। ई बिडिंग प्रक्रिया का परिणाम जारी नहीं करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। आबकारी विभाग पर नेगोशिएशन करने के आरोप लगाए। बता दें, ई बिडिंग प्रक्रिया में दरें बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी के विरोध में लाइसेंसी एकत्रित हो प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पौधारोपण कार्यक्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार नकारा व निकम्मी सरकार रही। दिलावर ने कहा कि मुझ पर 14 मुकदमे हैं, जिनमें से एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या का मुकदमा है। एक मुकदमा कांग्रेस ने मुझ पर राजद्रोह का दर्ज करवाया। कांग्रेस ने जब हत्या और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस सरकार इतनी नकारा रही कि हत्या व राजद्रोह के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मंत्री अपराधों के मंत्री है और कई खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। बिल्कुल, मेरे खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। उसमें से एक मुकदमा ये है कि मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी। अब डोडासरा बताएं कि उनकी हत्या कहाँ हुई है, मेरे से हथियार बरामद क्यों नहीं किए उन्होंने सरकार में, मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हमसे मेरे से डरते हैं इसलिए गिरफ्तार नहीं किया। यानी मैं बहुत खूंखार हूँ क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या भी कर सकता हूँ, ऐसा वो मानते हैं। और उन्होंने एक मुकदमा मेरे ऊपर दायर किया है, राष्ट्रद्रोह का करवाया है। मैं राष्ट्रद्रोही हूँ तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इतनी पंगु सरकार थी, निकम्मी मक्कार सरकार थी कि राष्ट्रद्रोह वाले को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इससे पंगु मक्कार और नाकारा सरकार के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या हो सकते हैं? इसलिए मकारी नाकारा लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। झलावाड़ जिले में वाहनों पर स्टंट करते हुए रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का जुनून युवाओं पर हावी होता जा रहा है। इस तरह वाहनों से स्टंट कर रील बनाने में जुनून, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर मानव जीवन को संकट में डालने वाले एक आरोपी युवक के कुछ वीडियो पुलिस तक पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी इस्माइल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वही झलावाड़ कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने स्टंट में यूज थार जीप को भी जब्त कर लिया। झलावाड़ दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित झलावाड़ जिले के झलावाड़ रोड स्टेशन पर रतलाम से कोटा जा रही मालगाड़ी में अचानक आग लग गई। अचानक हुए इस हादसे से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबर मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद भवानी मंडी नगर पालिका, राजस्थान टेक्सटाइल मिल और रामगंज मंडी नगर पालिका की फायर इंजन ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता नहीं लग सका। पूरे घटनाक्रम की अधिकारियों द्वारा जाँच की जा रही है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के यादवनगर गांव में रात में हो रही बार बार विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने प्रदेश कांग्रेस सचिव बलराम यादव के नेतृत्व में रामगढ़ जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना जैसे ही बिजली विभाग के अधिकारियों को लगी तो जेएन सोनू शर्मा आनन फानन में पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। प्रदेश कांग्रेस सचिव ने बताया कि पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के जेएन के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। सीकर में तेज गर्मी के बाद बदला मौसम का मिजाज। शहर में दोपहर बाद काली घटाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। मौसम परिवर्तन के साथ लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत मिल सकती है। राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार को कहा कि हीटवेव और भीषण ठंड के कारण होने वाली मौतों को SDRF आपदा राहत कोष के तहत कवर किया जाना चाहिए और इस कारण होने वाली मौत का मुआवजा भी SDRF आपदा राहत कोष के तहत दिया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इस पर विचार करने का आग्रह करूंगा। आज देश के 7 राज्यों की 57 सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में मतदान हुआ। इसमें पीएम मोदी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोट डाले गए। इसके अलावा गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में भी वोटिंग हुई। अब सभी नेताओं की नजरें नतीजों पर टिकी हुई है। 7वें और आखिरी चरण के मतदान के बीच में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट कर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी दी। निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि जयनगर के स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने
ईवीएम और कागजात लूट लिए। एक सीयू, एक बीओ, दो वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। सेक्टर ऑफिसर ने इस मामले में केस भी दर्ज करवाया है। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सफर रूबरू होंगे। शुक्रिया।